शहबाज शरीफ की जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी लाहौर हाईकोर्ट में। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एक बार फिर उमर शाकिर से। जी उमर बताइएगा इस हवाले से। जी कायदे अहद के खिलाफ कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की हिरासत में है और फिजिकल रिमांड पर है। उनकी जमानत के लिए भी लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी और जस्टिस इनवरुल्लाह कुन्नू की सरबराही में दोनों की बेंच आज दरख्वास्त को समाप्त करेगा। ये दरख्वास्त शहबाज शरीफ की जानब से नहीं बल्कि लॉयंस फाउंडेशन है जिनके वकील ए के डोगर ने ये दरख्वास्त दायर की है और इसमें उन्होंने बुनियादी नुकता ये उठाया गया है कि इंक्वायरी मुकम्मल और जुर्म साबित होने से कम नैब का मुल्जिम को गिरफ्तार करना आईन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि किसी भी शख्स को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक न देना आईन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उन पर इल्जाम की बुनियाद पर की गई ना कि इल्जाम साबित होने की बुनियाद पर और दरख्वास्त गुजार के ये मौकफ है कि इल्जाम साबित होने से कम गिरफ्तार करना खिलाफ कानून है और इस दरख्वास्त में भी सुना की गई है कि अदालत शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करे और उनकी गिरफ्तारी को कलदम करार दे। आज इस दरख्वास्त पर पहली समाप्त होगी और तकरीबन 12:30 बजे।